शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। तो चलिए जानते हैं क्या हो सकता है आपके साथ आपकी राशियों के अनुसार। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मेष राशि के विषय में। तो जिनकी राशि मेष है उनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आएंगे आज के दिन। आपका बिगड़े हुए काम बन सकते हैं, कोई आपका पुराना रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है। वाणी पे बस संयम रखें और मित्रों से बहुत ज़्यादा आशा ना करें, आपको निराशा की स्थिति में वो ला सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं वृषभ राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। वृषभ राशि वालों के जीवन में स्थिति पहले से अच्छी है, आपको लाभ होगा, बड़ा धन लाभ हो सकता है। अचानक बड़े धन लाभ होने से आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपको होता हुआ मिलेगा। कुछ ऐसा आपके साथ हो सकता है इस दिन, आज के दिन या पूरे सप्ताह भर, कि आपके जो ग्रह नक्षत्र हैं आपको महालक्ष्मी योग बना रहे हैं, जो आपको बड़ी वृद्धि की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन आपके लिए आवश्यकता है कि आप कार्य करते रहें, क्योंकि आप कर्म करेंगे तभी आपको मेहनत का फल मिलेगा। तो चलिए चर्चा करते हैं मिथुन राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तो मिथुन राशि वालों के साथ आज के दिन काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। आप अपने कैरियर में नए आयाम की तरफ आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को अच्छा करेंगे। स्थिति पहले से बहुत बेटर है, मन भी आपका केंद्रित होगा और आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान आज आपको मिल सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं कर्क राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। कर्क राशि वालों को पहले से बहुत ज़्यादा मानसिक संतुष्टि मिलेगी, आप मन से काफ़ी पॉजिटिव होंगे। हमेशा अच्छा करें तभी आपके साथ अच्छा होगा, व्यक्तियों के साथ न्याय करें। संतान के साथ आपके रिलेशंस लगातार खराब हो रहे हैं, उसको भी आप बेटर करने का प्रयास करें, नहीं तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर की निगेटिव वाइब्रेशंस को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि आपका मन तो जानता है कि आपने क्या और किसके साथ सही किया या गलत किया है, क्योंकि इंसान दुनिया से झूठ बोल सकता है स्वयं से नहीं। मेरा इशारा इस तरफ है कि कर्म अच्छे करें, अन्यथा आपको उसका फल भी भोगना पड़ेगा। चलिए चर्चा करते हैं सिंह राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। सिंह राशि वालों को आज लाभ हो सकता है, बड़ा धन लाभ हो सकता है, किसी प्रिय मित्र से मुलाकात हो सकती है, कोई ऐसा व्यक्ति आज आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है जिसके आगमन से आप अपनी चीज़ों को काफ़ी हद तक पॉजिटिव कर लेंगे और आप अपनी समस्या से बाहर निकल जाएंगे। तो कुल मिलाकर दिन अच्छा है, अच्छे दिन जब रहे तो पुराने कार्य पूरे कर लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए कहीं ना कहीं हितकर होता है। तो चलिए चर्चा करते हैं कन्या राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। कन्या राशि वालों के लिए भी दिन आज अच्छा है, आपके रुके कार्य पूरे होंगे, अचानक आपके विवाह के योग भी बनेंगे। युवक युवती जिनका विवाह नहीं हो रहा था उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव साइन है आज। आप अपना विवाह के लिए प्रयास करें, आपको हो सकता है कि अपने जीवन साथी की आपकी तलाश आज के दिन खत्म हो जाए। तो चलिए चर्चा करते हैं तुला राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तुला राशि वालों के लिए भी दिन अच्छा है, आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे, कोई किसी राजनीतिक व्यक्ति की मदद से आप अपनी चीज़ों को पूरा कर पाएंगे। चीज़ों को अच्छा करने के लिए हमें कई बार प्रयास भी अच्छा करना होता है। कहा जाता है ना कि जितना बड़ा आप संघर्ष करते हैं उतनी बड़ी सफलता आपको मिलती है। तो कई बार जब हमें जीवन में परेशानियां आती है तो घबराएं नहीं, क्योंकि जो बड़ा कार्य करते हैं उनको बड़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। तो सावधानी रखें, चीज़ें आपके निकल जाएंगी। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि के स्टार्स क्या कह रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों के जीवन में भी थोड़ी सी राहत है, आपको लाभ होगा, लेकिन आपको व्यापार की दृष्टि से थोड़ा सा समय आपका पहले से पॉजिटिव है। पर्सनल रिलेशन को आप ठीक करें, संतान पक्ष को लेकर आपको परेशानी हो सकती है, देख समझ कर चलें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं धनु राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। धनु राशि वालों के लिए भी आज स्थिति थोड़ी राहत भरी है, आपको लाभ हो सकता है, धन लाभ हो सकता है। अचानक आपको कहीं यात्रा करनी पड़ सकती है और चीज़ों को आप पहले से अच्छा करना चाहते हैं, तो स्थिति को पहले मन के हिसाब से कंट्रोल करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जो सोचते वो नहीं होता, जिससे हमारा मन हताश हो जाता है। तो इस स्थिति से अपने आप को बाहर निकालें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं मकर राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। मकर राशि वालों के लिए दिन शुभ है, अचानक कोई यात्रा करनी पड़ सकती है, किसी प्रिय मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है। थोड़ा सा पारिवारिक जीवन की तरफ ध्यान दें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। संतान पक्ष की तरफ सोच विचार कर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि संतान ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है, ये समझकर हर माता पिता को चलना चाहिए। और मकर राशि वालों को अपने संतान की तरफ ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं कुंभ राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। कुंभ राशि वालों के जीवन में स्थिति पहले से नॉर्मल है, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक कष्ट बना हुआ है। किसी प्रिय व्यक्ति के अलगाव से आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कई बार हमारा पास्ट हमारे जीवन पर इतना हावी होता है कि हम अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन वो व्यक्ति हमेशा हमारे दिल और दिमाग में रहता है। तो कुछ इसी प्रकार की स्थिति से कुंभ राशि वाले व्यक्ति भी
सफ़र कर रहे हैं, तो अगर इतनी ज़्यादा परेशानी है तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, नहीं तो आप कष्ट मानसिक रूप से बढ़ता जाएगा और हो सकता है कि ये समस्या आपके स्वास्थ्य को भी खराब कर दे। तो चलिए चर्चा करते हैं मीन राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। मीन राशि वालों के लिए दिन आज शुभ है, आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, कोई यात्रा भी कर सकते हैं आप, अचानक धन लाभ से आपका मन प्रसन्न रहेगा और आपके कोई ऐसी इच्छा जो बहुत दिन से अधूरी चल रही थी वो भी पूरी हो सकती है। आध्यात्मिकता की तरफ आपका रुझान तेजी से बढ़ेगा, जीवन में आगे बढ़ें तभी आपको सफलता के रास्ते खुलकर मिलेंगे। तो आपने जाना कि क्या कहती हैं आपकी राशियां और क्या हो सकता है आपके साथ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक बार फिर से याद दिला दूं आपको, आप हैं रूपाली श्रीवास्तव के साथ और जान रहे हैं अपनी राशियों का हाल सितारों की गति के अनुसार। नमस्कार।